हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले आप अध्याय 1 पढ़ चुके हैं जीव जगत के बारे में। इस चैप्टर में आपको जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए पढ़ते हैं जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय 2। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो आप ध्यान से समझें इसको। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब से सिविलाइजेशन प्रारंभ हुआ है, सभ्यता प्रारंभ हुआ है, तब से मानव जो है वह सजीव प्राणियों, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उनको वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह, ठीक है, जो मानव ने प्रयास किया था प्रारंभ में, तो वह प्रयास जो था वैज्ञानिक मापदंडों के जगह सहज बुद्धि पर आधारित थी। ठीक है, तो वह केवल बुद्धि पर आधारित थी, वह कोई भी उसमें वैज्ञानिक मापदंड नहीं थे। ठीक है, बुद्धि पर आधारित में क्या क्या लिया गया था, जैसे कि हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित था। ठीक है, तो हमारी जो भोजन है, वस्त्र हैं, आवास हैं, ये जो सामान्य उपयोगिता की वस्तुएं हैं, इसके उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित यह वर्गीकरण था, न कि वैज्ञानिक मानदंडों पर आधारित था। ठीक है, इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। ठीक है, तो जीवों का जो वर्गीकरण का वैज्ञानिक रूप है, वैज्ञानिक मानदंडों के रूप में जीवों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले अरस्तु ने किया था। ठीक है, उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर, ठीक है, उन्होंने पौधों को सरल आकारिक लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो अरस्तु ने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण, अरस्तु ने वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर पहला वर्गीकरण किया। उन्होंने पौधों को सरल आकार की लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया। ठीक है, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। ठीक है, तो प्राणियों का वर्गीकरण उन्होंने क्या किया था, दो भागों में, जिसमें लाल रक्त पाया जाता है और इसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से प्राणियों को उन्होंने दो भागों में बांटा, जबकि पौधों को उन्होंने वृक्ष, झाड़ी और शाक के रूप में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो यह था अरस्तु, जिन्होंने पहला वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर पौधे और जंतुओं का वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं उसके बाद अगला वर्गीकरण किसने किया, लिनियस। ठीक है, लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। ठीक है, लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्होंने क्रमशः पौधों को प्लांटी जगत में रखा था और प्राणियों को एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लिनियस काल में सभी पादपों और प्राणियों के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। इस द्विजगत पद्धति में पौधों को प्लांटी में रखा गया और प्राणियों को एनिमेलिया जगत में रखा गया था। ठीक है, यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही थी। ठीक है, तो यह जो द्विजगत पद्धति है,
यह कुछ समय तक इसका यूज जारी था, इस कुछ काल तक इसका उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार, द्वि जगत पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जो यूकैरियोट हैं सौसीम केंद्र की, जिनमें केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक वाल पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की, ठीक है, जिसमें केंद्रक वाल नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर वाल नहीं पाया जाता, उसको असीम केंद्र की अर्थात प्रोकैरियोटिक। एक कोशिक एवं बहुकोशिक, ठीक है, एक कोशिका से बना हुआ और एक से अधिक कोशिका से बना हुआ, तथा प्रकाश संश्लेषी अर्थात हरित शैवाल, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जो हरे रंग के शैवाल है, एवं अप्रकाश संश्लेषी, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जैसे कि कवक के बीच विभेद अंतर स्थापित करना संभव नहीं था। ठीक है, तो यह जो द्वि जगत पद्धति जो दिया गया था, इसको इस बेस पे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर, एक कोश की बहु कोश की में अंतर, प्रकाश संश्लेषी अप्रकाश संश्लेषी के बीच में अंतर स्थापित करना संभव नहीं था। ठीक है, पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ठीक है, तो यह जो लिनियस का द्वि जगत पद्धत वर्गीकरण था, जो पादपों और प्राणियों पर आधारित था, वर्गीकरण आसान था, सरलता सरल था, इसके बावजूद भी बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ठीक है, इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्वि जगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। ठीक है, तो जो लंबे समय से द्वि जगत पद्धति चल रही थी वह अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी, क्योंकि इससे वर्गीकरण करना संभव नहीं था। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए अकारकी के साथ साथ कोश की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासी संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ठीक है, तो अभी तक जो लिनियस ने द्वि जगत पद्धत वर्गीकरण दिया, जिसमें प्लांटी और एनिमिलिया उन्होंने कहा, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है, यह जो वर्गीकरण था इसमें अकारकी के साथ साथ अब कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि, विकासी संबंधों को भी शामिल समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अलावा जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पादप और प्राणी जगत के वर्गीकरण की जो कठिनाइयां हैं, ठीक है, जो कठिन पद्धतियां हैं, जिनमें कि सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समिष्टि रहे हैं, सदा ही शामिल रहे हैं। इसके अलावा जीवधारियों की विभिन्न
ठीक है, जीवधारियों की विभिन्न जगत की संख्या यह उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका जीव जगत वर्गीकरण के परिचय के बारे में, जिसमें हमने आपको अरस्तु के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था, लिनियस का जो द्वि जगत वर्गीकरण दिया गया था, इसके बारे में हमने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके अगले पार्ट का, जिसमें हम लोग आएंगे पांच जगत वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।